सो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना है आपको। यहां पर आपको ने बताया कि स्क्वायर एंड एडिशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है, ठीक है। स्क्वायर एंड एडिशन, तो पहले आपने जब यहां पर वर्कआउट किया है इसमें सवाल में, पहले वाले सवाल में, तो आप डिफरेंस देखिए, यहां पर डिफरेंस कितने का, यहां पर डिफरेंस कितने का, यहां पर डिफरेंस कितने का, या कुछ और सोचिए। आप देखो एक बार हम आपका डिफरेंस अगर इस सवाल को निकालना चाहेंगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। रीजन बीइंग कि पहले आपको यहां पर अंतर कितने का मिलना, 15 का, फिर आपका आगे वर्कआउट करोगे तो आपके लिए समस्या यहां पर बढ़ती जाएगी, आपको एक जैसा पैटर्न नहीं मिलेगा। एक बहुत सिंपल सी चीज नजर आ रही कि जो 51 नंबर है वो 51 क्या होता है, ये 7 का स्क्वायर होता है, 49 और 2 ऐड कर दिया, समझिएगा। 66 क्या है, 8 का स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है, 8 का स्क्वायर प्लस 2 है। ऐसे 83 क्या है, 83 आपका 9 का स्क्वायर प्लस 2 है। तो आपको हर एक नंबर में क्या होता जा रहा है बच्चे, हर एक नंबर देखो, ये आपका 123 क्या है, 11 का स्क्वायर प्लस 2 है, 146 क्या है, 12 का स्क्वायर प्लस 2 है। तो आगे की जो नंबर आएगी बेटा वो 13 का स्क्वायर प्लस 2 आएगी। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस 2, यानी आंसर कितना आना चाहिए, 171, जो कि आप सब लोगों ने ज्यादातर दिया, अविनाश, सोनी, सुकन्या, सब लोगों का सृष्टि, आपका आंसर 171 आया, वेरी गुड। दूसरे सवाल के बारे में अगर बात करें जिसमें आपको दिया हुआ 170, 170, 198, 228, 260 एंड 294, इसमें भी सेम तरीके से देखोगे ये नंबर कितने के आसपास की, ये किसके आसपास का है, 170 आसपास है 13 के स्क्वायर प्लस 1, 13 का स्क्वायर प्लस 1, राइट। आगे बात करते हैं इसका, 198 आपको पता है 14 का स्क्वायर प्लस 2 हो जा रहा है, तो ये 14 का स्क्वायर प्लस 2 है। ऐसे 228 क्या है, 228 आपको पता है 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो प्लस 3 हो जा रहा। अगली नंबर 16, 16 का स्क्वायर 256, 256 होता है, प्लस 4 हो गया। और आगे 17, 17 का स्क्वायर आप लोगों को पता है कि कितना होता है, 289, तो 289 में क्या प्लस हो गया, 5। तो आपको ये चीज समझ में आ गई ना, पहले हमने 13 का स्क्वायर प्लस 1 किया, फिर 14 का स्क्वायर प्लस 1 कर रहे हैं, फिर 15 का स्क्वायर प्लस सॉरी 13 का स्क्वायर प्लस 1 किया, 14 का स्क्वायर प्लस 2 किया, ऐसे ही आपका यहां पर हमने 3 जोड़ा, 16 के स्क्वायर में हम लोग 4 जोड़ रहे हैं, 17 के स्क्वायर में हम लोग कितना जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं। तो आगे आपको 18 का, 18 का स्क्वायर करना होगा और जोड़ना कितना होगा, 6। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, 324 में जब 6 जोड़ोगे तो जवाब यहां पर कितना आना चाहिए था, 330, समझ में आया, 330 हमें दिया हुआ है आपका जवाब, सारे ज्यादातर लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आया हुआ है। चलो अब आगे बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। ये जो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है इसमें 5, 6, ठीक है, और आगे क्या दिया हुआ है, 10, 19 और 35। एक चीज देखते हैं यहां पर बच्चे, यहां पर देखो अंतर डिफरेंस कितने का है, पहले 1 का डिफरेंस है, फिर कितने का डिफरेंस है, 4 का है, फिर देखो डिफरेंस कितने का है, 9 का है, और फिर डिफरेंस कितने का है, 16 का। जैसे ही तुमने डिफरेंस निकाला, और डिफरेंस क्यों निकाल रहे हम लोग, क्योंकि आपको एक चीज मैंने बताई, पहला वाला टर्म और आखिरी वाला टर्म बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया, जब बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता तो हम लोग क्या देखते हैं, सिर्फ कुछ ना कुछ जुड़ रहा, और अगर बहुत ज्यादा अंतर आ जाता तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वहां पर क्या हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा, तो यहां कुछ जुड़ने वाला ही कॉन्सेप्ट लग रहा था। और हमें पता चल गया कि 1, 4, 9, 16 यानी 1 का स्क्वायर, ये आपका 2 का स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर, तो जो नेक्स्ट नंबर, जो नेक्स्ट टर्म हमें चाहिए, दैट मस्ट बी द, ठीक है, क्या होना चाहिए, 5 का स्क्वायर, यानी 25 हम प्लस करेंगे लास्ट वाले टर्म में, 35 और 25 जब जोड़ेंगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा, 60। तो थर्ड वाला क्वेश्चन भी आ गया ना सभी को समझ में, ओके, वेल एंड गुड। बच्चे अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं, अगले सवाल आपका किसके ऊपर रहेंगे, देखो आपने स्क्वायर सीरीज समझी, स्क्वायर एंड एडिशन समझा, यानी कुछ आपका जुड़ रहा है ऐसा जो कि स्क्वायर नंबर से ही रिलेटेड है। अब उल्टा इसका, स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्शन, जैसे जो लास्ट वाले सारे सवाल किए थे उनमें कुछ ना कुछ जुड़ रहा था ना, ऐड हो रहा था, और वो ऐड जो हो रहा था वो नंबर स्क्वायर से रिलेटेड थी, वो स्क्वायर नंबर थी या समहाउ स्क्वायर नंबर से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट लग रहा था। अब की बार कुछ ना कुछ घटेगा और वो स्क्वायर नंबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा, तो ये चारों सवाल आप फटाफट बना के सारे लोग आंसर कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता दो।
ये सोनी आपका नाम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है बेटे। श्रेया 330 बता रही है, सोनी आपका सोनी के नाम से आ रहा है ना कौन सारी चीजें। हाँ सबके नाम आ रहे हैं मेरे पास, अविनाश शर्मा जी के आ रहा है, सृष्टि जी लाइव है, सुकन्या लाइव है, और प्रिया 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 अविनाश सभी लोग लाइव हैं। अब जवाब आप बताओ मेरे को कि क्या क्या आंसर्स बनेंगे। आयुष्मा आज नहीं है मैं हमारी ख्याल से क्लास से। आयुष्मा आर यू देयर? अब बेटे ये चार सवाल आपके सामने, इन जरा चार सवालों का मेरे को एक बार जवाब दे दो फटाफट। अच्छा सोनी जी के नाम से है। थ्री दिया हुआ अविनाश ने पहले वाले सवाल का जवाब, और लेट्स चेक 193 करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है अविनाश, वेरी गुड। अब देखो बच्चे नंबर्स को एक बार पहचानने की कोशिश करो। मेरे स्पेक्टिकल्स बच्चे टूट चुके हैं, दो पेयर थे दोनों मेरे छोटे बेबी ने तोड़ दिए घूसे मार मार के। वही थोड़ा सा जो है ना इशू है आज की क्लास में, तो मैं आपको स्क्रीन और कभी आपका व्हाइट बोर्ड पर ला रहा हूं। 78 ये कितने के आसपास का है? 97 क्या इसके आसपास कोई स्क्वायर नंबर? 118 क्या इसके आसपास कोई स्क्वायर या क्यूब नंबर होती है? ऐसे सोचो। आपको पता 9 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये 9 का स्क्वायर माइनस 2, 9 का स्क्वायर सॉरी 81 माइनस 3, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 3, हर एक केस में माइनस 3 हो रहा है। 11 का स्क्वायर 121 माइनस 3, तो हर एक केस में माइनस 3 हो रहा है। ये 12 का स्क्वायर 144 माइनस 3, इधर बात करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 3। जवाब आपको देना है तो जवाब होगा 14 का स्क्वायर माइनस 3। प्रिया बताओ जवाब क्या होगा? 14 का स्क्वायर पता है 196 होता है, माइनस 3 करेंगे तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? 193। समझ में आ गया ना इतना आप लोगों को? बोलो दूसरे वाले का जवाब आपका इसमें देखते हैं। ऑटो स्क्रॉल आप लोग क्लिक रखिएगा, रिफ्रेश भी एक आधा बार बीच में करते रह सकते हो, उससे चार्ट आपका आता रहता है। हर एक लोग अपना जरूर आंसर करो, ठीक है? अगर समझ में नहीं आता तो मेरे को बताओ कि सर आप मेरे को ये वाला बता दो। बहुत ज्यादा लोग लाइव ऑनलाइन क्लास में नहीं है, लिमिटेड बैच ऑनलाइन में भी रहेगा, ऐसा नहीं हजारों बच्चे भर जाए, राइट? तो उतने बच्चे जितने हमारी क्लास में होते हैं उतने ही बच्चे यहाँ पर ऑनलाइन में रहेंगे। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप एक एक बच्चे को पर्सनल अटेंशन मिल सके, राइट? तो यहां अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं। दैट इज 78 सॉरी 120 142 166। अब इसमें आपका अगेन जब देखोगे ये नंबर सभी आपका क्या है, ये 11 का स्क्वायर माइनस 1 है, दैट वन इज द 12 स्क्वायर माइनस 2, जैसे पिछली बार किया था वर्कआउट प्लस हो रहा था आपकी बार ये माइनस। ये 13 का स्क्वायर तो माइनस 3 हो गया, 169 माइनस 3। ये 14 का स्क्वायर 196 तो माइनस 4 हो गया, एंड दैट इज 15 स्क्वायर माइनस 5, 15 का स्क्वायर वर्ग 225, 5 घटाया 220। आंसर कैसे निकालेंगे? तो हम 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे और माइनस कितना करेंगे? 6। तो 16 का स्क्वायर होता है 256, और 256 से जब 6 माइनस करोगे, 256 से जब आप 6 माइनस करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा? 250। कोई समस्या यहां पर किसी तरीके की? नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करें, ये वाला सबको समझ में आ गया ना? सोनी सृष्टि या विनाश कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर में बात करते हैं, दैट इज 30 42 56 72 एंड 90। इसका जवाब कौन बताएगा? एनीवन? स्क्वायर और क्यूब का ही कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ लग रहा। स्क्वायर और क्यूब के कॉन्सेप्ट पर देखो इस सवाल को बनाइए, बनाने की कोशिश करिए क्या जवाब बनेगा इसका। 30 42 56 इनके आसपास के स्क्वायर नंबर्स कौन से हैं? इनके आसपास के स्क्वायर नंबर्स देखो, 30 के आसपास का स्क्वायर नंबर कौन सा है? इधर 30 के आसपास देखो बच्चे, 30 के आसपास या तो 36 है या फिर कौन है आपका 25 है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा एक बार यहां पर। 30
30 के आसपास की जो नंबर, 30 के आसपास के जो स्क्वायर नंबर है वो या तो आपका 25 है या फिर कौन है 36 है। जरा यहां पर देखो कितना माइनस हो रहा है, 25 से 30 में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, और यहां पर आपका कितने का डिफरेंस है, यहां पर आपका 6 का डिफरेंस है, राइट। यानी आप अगर 36 लोग है, 6 का स्क्वायर लोगे तो आपको कितना घटाना पड़ेगा, 6 माइनस करना पड़ेगा, और अगर आप यहां 5 का स्क्वायर लोगे तो आपको ऐड करना पड़ेगा, और कितना ऐड करना पड़ेगा, 5 के स्क्वायर में 5 ऐड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर, समझ में आ गया ना। तो ये जो आपका होता है कॉन्सेप्ट किसी भी नंबर के साथ, तो एक चीज समझिएगा, अगर किसी नंबर में 5 का स्क्वायर प्लस 5 कर रहे तो आपको कितना मिल रहा, 30। ये इक्विवेलेंट होगा 6 के स्क्वायर माइनस 6 के। अगर किसी नंबर में आपका, जैसे सपोज दैट मैंने बोला 10 का स्क्वायर करो, उसमें 10 ऐड करो, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 वही आपको मिलेगा जो 11 का स्क्वायर माइनस 11 करने पर मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी एक कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, चाहे 10 स्क्वायर प्लस 10 लगा लिया, 11 स्क्वायर माइनस 11, तो यानी जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हो वही नंबर या तो आप जोड़िए या घटाइए। तो ये आपका 5 का स्क्वायर प्लस 5, 6 का स्क्वायर प्लस 6, 7 का स्क्वायर प्लस 7, 8 का स्क्वायर प्लस 8, 9 का स्क्वायर प्लस 9, या उल्टा लगा लीजिए 6 का स्क्वायर माइनस 6, 7 का स्क्वायर माइनस 7, 8 का स्क्वायर माइनस 8, और 9 का स्क्वायर माइनस 9, 10 का स्क्वायर माइनस 10, तो आगे जवाब 11 का स्क्वायर माइनस 11 या 10 का स्क्वायर प्लस 10। तो 10 स्क्वायर प्लस 10 करोगे तो आंसर आएगा 110, 11 स्क्वायर माइनस 11 करोगे तब भी आंसर आपका कितना आएगा 110, कुल मिला के आंसर आपको 110 देना चाहिए था, राइट। बोलो समझ में आया ना ये वाला, ठीक है, कोई समस्या इसमें? अगले सवाल का आंसर आप लोग करिए, मेरे को जवाब बताइए यहां पर क्या आएगा। एंड क्वेश्चन है आपका 110, 132, 156, 182 एंड 210। तो इस सवाल का जवाब देखो कैसे बनेगा, अभी हम लोग स्क्वायर्स के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, स्क्वायर्स बाद हमारा क्यूब नंबर का कॉन्सेप्ट शुरू होगा। अभी जो पिछला वाला सवाल बताया था उसी इसी को आपका यहां पर अप्लाई करो, जो यहां पर अभी आपको समझाया, जो तरीका, जो फंडा यहां पर हमने समझाया, उसी फंडे को यहां पर भी आप इस्तेमाल करिए। अब आप लोगों को आंसर देना है, इसमें मैं आंसर बताने वाला नहीं। तो सोनी, अविनाश, प्रिया, सृष्टि, एवरीवन, जल्दी से वर्कआउट करके बताओ यहां पर क्या जवाब होगा। फोर्टी आंसर आया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट आया हुआ है अविनाश, आपका आंसर 100% करेक्ट है, कोई समस्या नहीं। जो लास्ट वाला आपने सवाल किया हुआ था, या तो 10 स्क्वायर प्लस 10 कर दो, 11 स्क्वायर प्लस 11 कर दो, राइट, 12 का स्क्वायर प्लस 12 कर दो, 13 का स्क्वायर प्लस 13 कर दो, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 13, 14 का स्क्वायर प्लस 14 करो, जवाब निकालने के लिए 15 का स्क्वायर प्लस 15 करना है, 15 का स्क्वायर मैंने बोला आपको रटा होना चाहिए, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225 प्लस कितना करना है 15 का स्क्वायर 225 प्लस आपको 15 करना, आंसर आपको 240 मिल जाएगा। आप ऐसे करने के बजाय आप उल्टा भी कर सकते हो, आप यहां पर उल्टा करते जाइए, ये 11 का स्क्वायर माइनस 11 कर लीजिए, 12 का स्क्वायर माइनस 12, 13, 14, 15, यहां पर आते आते 15, तो जवाब निकालने के लिए 16 का स्क्वायर माइनस 16 करना पड़ेगा, 16 का स्क्वायर आपको याद दिला दूं 256 होता है, माइनस का 16 करोगे तो आपको जवाब कितना बन जाएगा 240, हर एक एंगल से जवाब कितना आना है 240, समझ में आया ना। ओके मनीष मीना का भी बिल्कुल करेक्ट आ चुका है। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आपका है वो अब आपका स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्शन हो गया, राइट। तो नेक्स्ट जो है हम आपका बढ़ते हैं, जो हमारे सवाल है यहां पर आते हैं,
क्यूब सीरीज पर, ये हमने कर लिया ना सेवन क्यूब सीरीज, यस। तो क्यूब सीरीज के ऊपर और वर्कआउट करते हैं, घन संख्याओं के, घन जो श्रृंखलाएं हैं, यहां पर जितना भी अभी आपने स्क्वायर्स के बारे में, वर्क के बारे में पढ़ा कि कैसे आपका वर्क श्रृंखलाएं हमें अटेम्प्ट करनी, बिल्कुल सेम पैटर्न पर आपको क्यूब सीरीज भी अटेम्प्ट करनी है। देखो पहला वाला सवाल बहुत आसान है, नंबर्स को देखते ही समझ में आ गया ये सभी कैसे नंबर है, क्यूब नंबर है। पहला वाला 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, समझ में आया ना, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के क्यूब नंबर है 2, 3, 4, 5, तो आगे 6 का क्यूब, 216 आंसर। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। अब नेक्स्ट वाले सवाल का जवाब बताओ, अगला सवाल जो आपके सामने यहां पर है उसका आंसर आपको करना है। 8, 27, 125, 343, इसमें सृष्टि आंसर 216 कहां पर पहुंचा? अच्छा वो ठीक है, अगले वाले का जवाब बताओ, नेक्स्ट वाले का 8, 27, 125, 343, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना चाहिए? सारे क्यूब नंबर है ना, कोई समस्या नहीं किसी को भी यहां समझने में। पहला वाला 2 का क्यूब, अगला वाला नंबर 3 का क्यूब, अगला वाला नंबर 5 का क्यूब, अगला वाला नंबर 7 का क्यूब है। तो अब आपका काम है यहां पर मुझे जवाब बताना, ठीक है, आंसर आप करो मेरे को कि क्या जवाब होगा, अगला नंबर क्या आना चाहिए। सेवन ट्वेंटी नाइन प्रिया का जवाब है और अविनाश का 512, सृष्टि का भी 729 है। तो अब आगे कौन से नंबर का स्क्वायर लें, तो इसके लिए जरा इन नंबर पर गौर करिए, 2, 3, 5, 7, ये सभी कैसे नंबर हैं? ये आपका प्राइम नंबर है, अबाध संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं? प्राइम नंबर, अबाध संख्याएं। सबसे लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अबाध संख्या कौन सी है? 2 है। ऐसी नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो सकते हैं, जैसे 5, इसका एक फैक्टर 1 है और दूसरा इटसेल्फ 5, ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर बेटा 9 तो है नहीं, है ना, अगला प्राइम नंबर बेटा 11 होगा, राइट, अगला प्राइम नंबर 11 होगा और 11 का क्यूब होता है 1331, तो जवाब आपका होना चाहिए 1331। समझ में आया सोनी जी, प्रिया जी, अविनाश जी, सृष्टि जी, राइट? अगर आपको डिफरेंस ही देख रहे थे तो भाई डिफरेंस तो इक्वल नहीं है ना, यहां पर डिफरेंस 2 का था, यहां पर 2 का था, लेकिन यहां पर तो डिफरेंस 1 ही का रह गया, तो 1 2 2 पैटर्न मिलना चाहिए ना, सीरीज का मतलब सिस्टमैटिक पैटर्न, 1 2 2 कोई पैटर्न थोड़ी, 2 2 2 पैटर्न हो सकता था। तो हमने यहां पर पैटर्न देखा कि ये सभी प्राइम नंबर्स लगातार आ रहे हैं। तो अब समझ में आया ना सवाल कैसे करना, इसका जवाब कैसे आपको 1331 देना चाहिए था, जो कि आप लोगों ने नहीं दिया। चलो अगले सवाल पर मूव करते हैं, अगले कुछ क्वेश्चन आपका क्यूब एंड एडिशन से रिलेटेड है, इनको करें। यहां पर जैसे आपने स्क्वायर एंड एडिशन का किया था, वैसे क्यूब एंड एडिशन का। अब बताओ यहां पर दोनों सवाल आप अटेम्प्ट करो, फिर मैं कुछ 4-5 सवाल की प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद आपका मैथ्स का क्लास रहेगा 12 बजे से, राइट, बीच में 2 मिनट तुम्हें पानी पीने का ब्रेक मिल जाएगा। तो प्लीज आंसर करें इन दोनों क्वेश्चंस का। सृष्टि ने पहले सवाल का जवाब दिया हुआ 350, ओके। सोनी का, सोनी आ रहा समझ में, ठीक है, चलो
350 आंसर आ गया भाई पहले वाले का, और इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सृष्टि ने जवाब और सोनी ने, दोनों ने बिल्कुल करेक्ट दिया, दोनों फ्रेंडली है सृष्टि और सोनी एक दूसरे की। ये सभी क्यूब नंबर के आसपास के ही नंबर है ना, जितने भी नंबर है सब देखो प्लस टू है क्यूब नंबर से। आपको पता है 6 का क्यूब 216 प्लस 2 हो रहा है, ठीक है, 5 का क्यूब 125 प्लस 2 हो रहा है, 4 का क्यूब 64 प्लस 2 हो रहा है, 3 का क्यूब 27 प्लस 2 हो रहा है, एंड 2 का क्यूब 8 प्लस 2 हो रहा है। लगातार जो आप क्यूब नंबर करते जाइए और प्लस 2 करते जाइए। अगला नंबर 7 का क्यूब प्लस 2 होना चाहिए, 7 का क्यूब होता है 343, 343 में जब आप ऐड करोगे 2 तो आपको जवाब कितना मिल जाएगा, 343 प्लस 2 यानी 345। यस, अगले वाले सवाल का जवाब इसमें जो दिया हुआ दूसरा क्वेश्चन 126 सृष्टि फर्स्ट वन इज रॉन्ग, कोई रॉन्ग बताना नहीं इसमें, सारे के सारे आपको देखो जब क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो इसका मतलब उस टर्म को फाइंड आउट करना, जब कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होता तो इसका मतलब वहां पर रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना होता है। यहां पर रॉन्ग टर्म की बात ही नहीं आ रही ना, यहां पर आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, राइट। अब इस नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट कैसे करें, यहां पर कौन जवाब बताएगा इसमें, आगे जब इतना हिंट तो तुम्हारे पास है कि क्यूब नंबर का ही कॉन्सेप्ट लगना, तो इन नंबर को पहचानो, ये सभी नंबर आपके क्यूब नंबर के आसपास के नंबर है, जब सभी नंबर क्यूब नंबर के आसपास के नंबर है तो आपको क्या दिक्कत आ रही, फटाफट तेजी से आंसर करो इसका।